सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। अध्याय 2.1 पहला सवाल है, बेसिक मैंने बताया इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना, तो पहले वो देखना आप, तो उससे आपको अच्छे समझ में आएगा घन और घनमूल के बारे में। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। आपको ये सवाल दे रखे कुछ, इनमें बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, जैसे पहला सवाल दे रखा है 512। अब पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, जिसका पूरा पूरा घन निकल जाए। जैसे कैसे, जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा है यहाँ पर इसमें कितना 8, तो बताओ कितना होता है 8 का कितना निकलता है 2 निकलता है। जैसे बताया लिखा है 15 तक याद कर लो कंप्लीट। अब बताओ ये 512 देखा, बताओ 512 किसका घन होता है, ये तो कौन सी संख्या है पूर्ण घन, कौन सी है। अगर मान लो मैं 7 की जगह कितना लिख देता 8, मतलब 8 की जगह कितना लिख देता यहाँ पे, तो बताओ 7 का घनमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना। तो ये पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन कौन कौन सी है, एक तो 1 है, 1 8 है, 1 कौन सी है 27 है, 1 64 है, 1 कौन सी है, ये पूर्ण घन है, ये क्या है। अगर जैसे मान लो यहाँ आ जाती बेटा 25, तो 25 पूर्ण घन नहीं है। यहाँ आ जाती 65, तो 65 पूर्ण घन नहीं है। आगे समझ में। अब फिर भी अगर मान लो आपको याद नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि पूर्ण घन है या नहीं है। हम यहाँ लगाएंगे गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि के द्वारा हम चेक करेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अब देखो कैसे करना है, 512 ऐसा फॉर्मेट बनाना और यहाँ कितना लिखना 512। अब इसमें भाग देना है, क्या करना है, देखो इकाई का सन संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, इकाई का अंकसन संख्या किसका भाग जाएगा, विषम है तो सबसे पहले किसका भाग देंगे 3 का। अब देखो 2 का चल जाएगा इसमें 2 का, बताओ 2 का भाग देने का मतलब इसका आधा करना है, इसका क्या करना है आधा। 500 का आधा कितना होता है 2800 और 12 का आधा 6, तो कितनी बार जाएगा 256। या ऐसे दे लो, देखो 2 दुनी 4 कितनी बार 2 कितना बचा 1 कितना हो गया 11 5 दुनी 10 कितना बचा 1 कितना हो गया 6 दुनी 12 आ गया। फिर इकाई के अंक में सम संख्या आ रही है, ये किसका भाग जाएगा 2 का। अब देखो यहाँ 2 एक 2 दुनी 4 कितना बचा 1 कितना हो गया 16 8 दुनी 16 फिर किसका जाएगा 2 का, 6 दुनी 12 2 दुनी 4 फिर किसका जाएगा 2 का, 3 दुनी 6 2 दुनी 4 फिर किसका जाएगा 2 का, कितनी बार 16 बार फिर किसका जाएगा 2 का, कितनी बार 8 बार फिर किसका जाएगा 2 का, फिर किसका जाएगा 2 का, फिर किसका जाएगा 2 का, कितनी बार 1 बार। अब जो ये ना ये इनके लिखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार है 2 2 गुणा 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 2 गुणा
तीन तीन अंकों के जोड़े बनाने, कितने कितने अंकों के? देखो यहाँ से एक जोड़ा तो ये बन गया तीन अंकों के, एक जोड़ा ये बन गया कितने अंकों के? तीन, और एक जोड़ा ये हो गया कितने, कंप्लीट हो गए जोड़े। अगर जोड़े पूरे पूरे बने, जोड़े क्या बने? पूरे पूरे। तो वो संख्या पूर्ण घन है, वो संख्या क्या है? पूर्ण घन। अगर जोड़े पूरे नहीं बनते हैं तो वो संख्या पूर्ण घन है? नहीं। बताओ ये संख्या कौन सी है? पूर्ण घन है। कौन सी है? पूर्ण घन। मैंने पहले पता लिखवा दिया, तो डायरेक्ट भी कह सकते, देखिए संख्या कौन सी है? पूर्ण घन। आया समझ में? अब जैसे दूसरा देखो, ये समझ में नहीं आया तो ये नंबर दो, अब देखो दूसरे में क्या है बेटा, 243 है, कितना है? 243 है, 243। अब देखो सबसे पहले इसके भी चेक करेंगे, बताओ पूर्ण घन है या नहीं है? नहीं है ना, 343 होती है, 243 थोड़ी होती है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले तो वही गुणनखंड करेंगे, बताओ बेटा 243 में सबसे पहले इकाई विषम संख्या है, मतलब किसका भाग जाएगा? तीन का जाएगा ना, तीन का। देखो तीन का भाग देखो, आठ दिया तीन एकम, ठीक है। फिर इकाई कौन सी संख्या है? विषम संख्या।
किसका भाग जाएगा? तीन का। तीन दुनी छह, कितना बचा? दो। कितना हो गया? इक्कीस। सात तीन इक्कीस, फिर किसका जाएगा? तीन का। तीन तीन नौ, तीन सत्ताईस, फिर तीन का तीन तीन नौ, तीन का एक बार आ गया। अब यहाँ लिखेंगे, बताओ कितनी बार है? तीन और दो पांच बार। तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन हो गया पांच बार। अब जोड़े बनाएंगे कितने कितने के? तीन। एक जोड़ा तो ये बन गया। अब ये जोड़ा बना क्या? बना क्या? नहीं। ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। आगे समझे, पूर्ण घन कब होती? जब यहाँ पर एक तीन और आता। सेम संख्या करनी है, तीन 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 ही आने चाहिए, या दो 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 के जोड़े बनाने हैं। जोड़े ऐसे नहीं है कि तीन का और पांच का जोड़ा कभी नहीं बनेगा। जोड़ा किसका बनेगा? समान संख्याओं का। आगे सुनिए, अब जैसे अगला कितना? 1000 दे रखा है। तीसरा सवाल दे रखा है कितना? ये तीसरा सवाल दे रखा है आपके 1000। अब बताओ 1000 जान दो कौन सी संख्या है? कौन गण है ना, किसका गण होती है? किसका होती है? अब निकालो इसको भी, ऐसे निकालेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। बताओ 1000 में किसका भाग जाएगा? है दो, दो का भाग देने में सीखा, आधा कर दो संख्या का। 1000 का आधा कितना होता है? 500। दो का भाग कितनी बार? 500 बार। फिर दो का भाग 500 का आधा? 250 बार। फिर दो का भाग कितनी बार? 200 का आधा 200, 50 का आधा 25, 125। अब फिर इसमें किसका जाएगा? 5 का। 5 का जाएगा ना, 5 दूनी 10, 50, फिर 5 का 5 एकम 5, फिर 5 का 5 एकम 5। अब बताओ कितने उड़े? 2 गुणा 2 गुणा 2 तीन बार थे, और 5 गुणा 5 गुणा 5 ये भी कितनी बार थे? तीन बार। अब जोड़े बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा बन गया और ये 5 का जोड़ा भी बन गया। बताओ संख्या कौन सी है? पूर्ण घन है। कौन सी है? आगे समझे, एक और है, देखो 100, 100 दे रखा है। कितना दे रखा है? 100। यहाँ लिख लेता हूँ, चौथा सवाल। अब 100 दे रखा है, अब बताओ बेटा 100 पूर्ण घन है या नहीं है? नहीं है, नहीं है ना। अब चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे? बढ़ाओ इधर, बताओ ये है 100, दो का भाग जाएगा कितनी बार? आधा जाएगा ना, और 50 में फिर दो का कितनी बार? 25 में पांच का, पांच में पांच का। अब देखो जोड़े तो बनेंगे, लेकिन कितने कितने के बनेंगे? दो दो जोड़े कितने के बने चाहिए? तो क्या लिखोगे? पूर्ण घन नहीं है। अब एक और लास्ट को भी दे दियो, पांचवा, ठीक है ना। अब पांचवे में क्या दे रखा है? 2700 दे रखा है। कितना दे रखा है? ये है आपके 2700, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ बताना है कि पूर्ण घन है या नहीं है। सबसे पहले तो गुणनखंड करो, बताओ किसका भाग जाया जा रहे है? पीछे जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो भाग जाएगा दो का, या भाग जाएगा पांच का, पीछे अगर जीरो आता है, ठीक है ना। अब बताओ दो का भाग, दो एक तीन दूनी आशी का दस हो गया, आठ दूनी दस, जीरो की जीरो, फिर दो का चल जाएगा छह दूनी बारह, आशी का एक, कितना हो गया? 15। तो कितना? 7 दूनी 14, 1 बज गया 10 हो गया, अब 5 बार। फिर किसका जा? अब देखो पीछे कितना गया? 5 आ गया, या तो देंगे 3 का या देंगे 5 का। तो बताओ 3 का चल जाएगा? 3 का दे लो, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, आशी का 1 15 हो गया, 5 3 15। फिर किसका जाएगा? 3 का फिर चल जाएगा, 7 3 21, 1 बज गया 15 हो गया, 5 3 15, ठीक है। फिर 3 का चल जाएगा क्या? नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा 3 का, कहाँ चल जाएगा? 3 का चल जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बज गया 15 हो गया, 5 3 15, 5 का जाएगा कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का कितनी बार? 1 बार। बताओ जोड़े बने क्या? नहीं, 2 के 2 ही है, 3 के तो बने लेकिन 5 के 2 ही है, तो यह क्या लिखेंगे? यह संख्या भी पूर्ण घन नहीं है। आइए समझे, उतारो।